वेलकम बैक टू एनिमल चैनल में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। आप सोच रहे होंगे कि इसने क्या बोल दिया एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्चुअली ये तीन लेयर है और तीन लेयर जिससे हमारे पूरे शरीर का विकास होता है और इन्हीं तीन लेयर से हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं या ये कहूँ जितने भी अंग हैं उन सब का विकास होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मादा शरीर में अगर बच्चा जब पल रहा हो, गर्भ में जब बच्चा पल रहा हो, तो सबसे पहले यह तीन लेयर का विकास होता है जिसका नाम है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और इन तीन लेयर से ही फिर जाके अंग यानी कि ऑर्गन्स के डेवलप होते हैं और उसके बाद पूरे शरीर का विकास होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।